रामगढ़ जिला के दुलमी के कोरिया घाटी में देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गई, जिसमें दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। तीन बाइक, एक मैजिक, एक टर्बो, एक 16 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि जिला के दुलमी के कोरिया घाटी में आज शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। तीन बाइक, एक मैजिक, एक टर्बो, एक 16 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार ओरमांझी गोला पथ के सिकदरी कोरिया घाटी में भयंकर एक्सीडेंट हुआ। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो गई। एक एलपी ट्रक ने कई वाहनों को अपने चपेटे में ले लिया। तीन बाइक, एक मैजिक, एक टर्बो, एक 16 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल पर ही दो की मौत, तीन से चार गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस दिल दहला देने वाली घटना के बीच एक मानवता को शर्मसार करने वाली भी घटना घटी, जहां चश्मदीतों की माने तो लोग बता रहे थे कि इस घटना के बाद स्थानीय कुछ लोग घायलों को बचाने से ज्यादा गाड़ी में लूटपाट करने लगे। दुर्घटना की सूचना रजरप्पा पुलिस को दी गई। रजरप्पा पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची। स्थानीय कांग्रेस नेता सुधीर मंगलेश के नेतृत्व में घायलों का सहयोग किया गया। रजरप्पा पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं दुर्घटना के बाद सड़क जाम हो गया था, जिसे पुलिस के कोशिश के बाद हटवाया गया। दुलमी प्रखंड के कुली के केंजा घाटी में अभी अभी रांची तरफ सारे ट्रक ने चार गाड़ी को टक्कर मारा, जिसमें दो लोगों की अभी मौत हो गई है और तीन चार लोग घायल हैं। और अभी पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और हम लोग यहाँ स्थानीय लोग सभी लोग यहाँ पर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। बोकारो के निवासी परवीन कुमार की मौत हो चुकी है और एक मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया कहाँ का निवासी रहने वाला है।